morning, dear students. Now today, in this lecture, we will start our new chapter of chapter A. The name of this chapter is cell. Cell, first, what is a cell? The basic structural and functional unit of an organ is called cell. किसी भी organ की basic means जो उसके formation का आधार है and functional means जो उसको किसी कार्य को करने के लिए बनाई जाती है, प्रिपेयर करती है, दैट इज कॉल्ड सेल. कि किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल, जिससे कोई भी ऑर्गन बनता है एंड किसी कार्य को करने के लिए प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड सेल. द सेल इज टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल, सेल आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर. सो यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल. सो द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं. एंड मल्टी सेलुलर, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बनते हैं मल्टी सेलुलर कहलाते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर इज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग एंड ऑल द प्लांट्स. मल्टी सेलुलर के हम लोग, वी आर ह्यूमन बींग, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो सेल इज सेल. आप देखते हैं, हम सपोज दैट किसी बिल्डिंग को हमें खड़ी करनी है, किसी बिल्डिंग मटेरियल को हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ईंट को रखते हैं, एक सिंगल ईंट को रख के, एक के ऊपर एक रख के, इस तरह से वो एक पूरी दीवार का फॉर्मेशन कर देते हैं, वॉल बनाते हैं. ऐसे ही पूरी बिल्डिंग बन जाती है. सो सपोज कीजिए, अगर एक ब्रिक्स का पीस नहीं होगा तो क्या बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो पाएगा? नो. सेम इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस हमारी बॉडी में भी अगर इफ सेल इज एब्सेंट, अगर सेल नहीं होगी सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की बॉडी का निर्माण नहीं होगा. सो सेल इज कंपल्सरी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. विदाउट सेल देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग एनिमल्स थिंग्स. सो ऑल द स्टूडेंट, टूडे इज योर वर्क इज write the definition of cell and the types of cell. Tomorrow we will discuss our next topics. Thank you.